लास्ट हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ग्रुप्स, तो हमें पता चल गया कि होते क्या है पॉइंट ग्रुप्स। बेसिकली ऐसी चीज होती है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन पॉसिबल है, बट उसको एक सिंगल लेटर से जब शो करना होता है तो उसे हम जो टर्म यूज करते हैं पॉइंट ग्रुप करते हैं। उस पॉइंट ग्रुप की नोटेशन से हमें पता चल जाता है कि जो भी सर्टेन स्पेसिफिक आपका कंसर्न मॉलिक्यूल या ग्रुप एटम है उसमें आपके पास जो ओरिएंटेशन या उसके ऊपर जितनी पॉसिबल रोटेशन या प्लेन कितने पॉसिबल है वो इस एक लेटर से इंडिकेशन हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट ग्रुप है हमारे पास C1। C1 ऐसा पॉइंट ग्रुप होता है जिसमें आपके पास सिर्फ एक आइडेंटिटी पॉसिबल होती है, उसमें और कुछ नहीं लग सकता। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आप देखो एक कार्बन के साथ अगर चारों तरफ डिफरेंट एलिमेंट्स अटैच हों तो हम उसे कह देते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं मौजूद। लेकिन हमेशा याद रखो जिसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट ना हो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट अवेलेबल होता है जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, जिसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उस तरह के मॉलिक्यूल को अगर हम 360 में बार बार रोटेट करते जाएं तो वी विल गेट द ओरिजिनल कंपाउंड रोटेशन, जैसा पहला था वैसा ही हमें मिलेगा। पॉइंट ग्रुप सी ऐसा, ये ऐसा पॉइंट ग्रुप है जिसमें हमारे पास कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता सिवाय एक प्लेनर स्ट्रक्चर के। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है आइडेंटिटी तो होनी ही होनी है ना उसमें, लेकिन आइडेंटिटी के अलावा अगर उसमें कोई प्लेन पॉसिबल है तो उसे हम कह देते हैं दिस मॉलिक्यूल हैज पॉइंट ग्रुप सी एस। ठीक है, सी एस का मतलब प्लेन ग्रुप। जैसे देखो आपके पास कंपाउंड है कार्बन, ठीक है, इसके एक तरफ लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, एंड देयर इज अनदर हाइड्रोजन एटम आपके पास दूसरा, उसके पास क्या है सी एल, ठीक है, एक तरफ है एफ। अब ऐसे मॉलिक्यूल में देखो हमारे पास ना रोटेशन नहीं आ सकती है, हम रोटेशन जो नहीं, अगर रोटेशन नहीं बता सकते तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्लेन जो हम पास करें मिरर्स या शीशा जो रख रहे हैं विच इज अलोंग द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। लेकिन वो कहते हैं इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती है कि प्लेन कहीं से पास करें ना हम, अगर सपोज में इतना पास करती है तो मॉलिक्यूल की ना कोई एक एटम ऐसा होता है कि जो दूसरी तरफ पहले से मौजूद होते जिसका रिफ्लेक्शन हमें नजर आ जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कह रहे हैं दे हैव ओनली सी एस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ग्रुप आता है सी आई। ये सी आई ऐसा पॉइंट ग्रुप है इस मॉलिक्यूल में सवाय सेंटर ऑफ इन्वर्जन के, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर में आपके पास पॉइंट ग्रुप जो है इन्वर्जन सेंटर मौजूद हो, यानी सेंटर में कोई चीज मौजूद है इसके अलावा कोई चीज और मौजूद नहीं है। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं 1,2-dichloro-1,2-dichloroethane। अगर इथेन की एक तरफ आपके पास क्या हो क्लोरीन हो, एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ ब्रोमीन है, ऐसे मॉलिक्यूल में सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव ऑन करें तो एक कार्बन सेंटर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमारे पास सेम चीज मौजूद हो तो उसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे ब्रोमीन है वो यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी है, तो ऐसे ग्रुप को हम सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सी आई का मतलब है इन्वर्जन, इसका मतलब कहीं पर लिखा होगा द मॉलिक्यूल इज सी आई पॉइंट होल्डिंग से होकर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ इन्वर्जन पॉसिबल है, यानी आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर पॉइंट ग्रुप पता हो। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट ग्रुप सी एन। सी एन का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ रोटेशन पॉसिबल होती है, सी एन पॉइंट ग्रुप कहते हैं उसे। ओनली एंड फोल्ड एक्सिस यानी नंबर ऑफ रोटेशन, फॉर एग्जांपल नॉन प्लेनर H2O2। H2O2 पता क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कैसे बनता है, दिस इज यहाँ पे ओ। अब ऐसे मॉलिक्यूल में ना रोटेशन सिर्फ पॉसिबल है अगर आप इसको रोटेट करो 360 एंगल पे या 180 पे, तो ये दोबारा चीज आपको वही मिल जाएगी जो स्टार्ट पे। हाँ, लेकिन इसमें हम शीशा नहीं पास कर सकते, इसमें इन्वर्जन सेंटर को नहीं देख सकते, यानी हमारे पास कुछ ना कुछ इसमें स्टिल मिसिंग होता। ठीक है, ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें आपके पास सिर्फ रोटेशन पॉसिबल हो उसे हम सी एन कहते हैं। एन की जगह पर जितनी रोटेशन होंगी वो वाटर यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे एग्जाम्पल इसकी, और ये होगी सेंटर ऑफ रोटेशन सी एन पॉइंट। ठीक है, तो अभी जो हमने पॉइंट ग्रुप देखे हैं वो कौन कौन से, C1, CS, CI एंड CN। क्लियर, तो आप इन पॉइंट्स को देखें और इसके अकॉर्डिंगली इसकी एग्जांपल्स को एक दो एग्जांपल्स निकालें और अपनी नोटबुक पे नोट करें।